अगर ध्यान कर रहे हो तो ऐसे ध्यान का भी कोई फायदा नहीं है। पहले आपने अपने परिवार की तरफ देखना है, अपनी होमली ड्यूटीज निभानी है, फिर उसमें से समय निकालकर आपने स्पिरिचुअल वर्क के लिए निकालना है। तो मैंने कभी भी अपने होम को निग्लेक्ट नहीं किया, हमेशा बैलेंस बनाकर चला कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी टाइम निकाला है और अपने घर के लिए भी बराबर का टाइम निकाला है, अपने बच्चों हस्बैंड सबके लिए प्रॉपर का टाइम निकाला है। तो हम धरती पर जो है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आते हैं, ये मेरे पत्री सर से सीखा है। और हम सब जो भी जूम के माध्यम से जैसे भी एक ध्यान से जुड़े हैं, तो हम सब अपना एक सोल प्लान लेके आए थे कि इस टाइम हम धरती पर जाएंगे, ममता जी से मिलेंगे, रचना जी से मिलेंगे, सुदेश जी से मिलेंगे, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे, विमला जी हैं, कि हमने ये सोल प्लान पहले ही प्लान करके आए थे। 2 साल कोविड के आएंगे तो हम जूम के माध्यम से ध्यान से जुड़ेंगे, अपनी लाइफ को आगे ध्यान मार्ग से आगे लेके आएंगे। कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता, सब कुछ हम प्लान करके आते हैं अपने जीवन में। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपना अपना प्लान करके आए थे कि अब हम ध्यान सीखेंगे और ध्यान से अपने फिजिकल लेवल पर हीलिंग करेंगे, मेंटल लेवल पर हीलिंग करेंगे, अपने इमोशनल लेवल पर हीलिंग करेंगे, स्पिरिचुअल लेवल पर हीलिंग करेंगे, अपने हर लेवल पर अपनी हीलिंग करेंगे। और हम धरती पर कोई दुख सहने नहीं आए हैं, सफर करने नहीं आए हैं, ये सब हम अपने विचारों से क्रिएट करते हैं। पत्री सर की एक लाइन बहुत बार बार बोलते थे कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, हम अपने जीवन के स्वयं निर्माता है। तो मुझे ये लाइन समझ नहीं आती थी कि सर अगर हम अपने जीवन के निर्माता है तो मैंने अपने जीवन में दुख क्यों लिखे, मैंने अपने जीवन में ये क्यों लिखा, मैं अपने जीवन में खुशियां लिखकर आती। सर ने कहा आपने खुशियां ही लिखी थी, पर आपने अपने विचारों से अपनी सोच से दुखी हुए हो, किस चीज से दुखी हो आप, मुझे अपना एक एग्जाम्पल बताए। तो मैंने बोला सर कि मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल बोला होगा सर को, तो सर ने बोला कि वो व्यक्ति तो ठीक है, ये आपकी सोच है कि वो आपकी बाहर बात माने। अगर एक बच्चा है आपके द्वारा आया है तो पर वो अपनी सोच समझ सूझबूझ लेके आया, अपनी किस्मत लेके आया। आप चाहते हो अपना आपका बेटा डॉक्टर बने तो आप, क्योंकि आप चाहते हो वो डॉक्टर बने, पर वो इंजीनियर बनना चाहता है या वो कुछ और बनना चाहता है, तो आप उसको फोर्स क्यों कर रहे हैं? आपका दुख का कारण आपके अपने विचार है। आप चाहते हो मेरे बच्चे मेरी बहुत सेवा करें, ये आपकी सोच है, आपके विचार है। वो अपनी जगह ठीक है, वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपके मन से आपको प्यार करते हैं, पर हम अपनी सोच विचार से दुखी होते रहते हैं। मेरी डॉटर इन लॉ को ये करना चाहिए, वो आपकी अपनी सोच है, तो आप अपनी सोच से ही वो दुखी हो। वो दुख नहीं है, यूनिवर्स ने तो आपको सब कुछ दिया है, पर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन से आप दुखी हो, किसी व्यक्ति से दुखी नहीं हो। तो वो चीजें समझ आने लगी, तो बात तो सही है, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चों से, अपने फैमिली मेंबर्स से कि वो मेरे साथ ऐसा करे, वो ऐसा करे, पर हमने यूनिवर्स ने सब कुछ दिया है। अब हम नेगेटिव सोचते हैं उनके बारे में तो नेगेटिव चीजें ही हमारी लाइफ में आगे आगे आने लगती हैं। तो मैंने अपने विचारों को बदला, अपनी सोच को बदला, और मैंने देखा कि मेरे जीवन में तो दुख है ही नहीं, दुख का कारण तो मैं खुद ही थी अपने जीवन में। तो ये चीजें समझ आने लग जाती है कि दुख तो है ही नहीं, हम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखकर आए हैं। जो लाइफ के चैलेंजेस भी हैं, अगर लाइफ में हमारे को कोई बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, वो कहते हैं ना अब दुख फिर सुख, उसके उस ब्लेसिंग उसके पीछे भी कोई ब्लेसिंग छुपी हुई है। ब्लेसिंग हमेशा छुपे हुए रूप में आती है। अब देखिए अगर मेरी लाइफ में बीमारियां नहीं आती तो शायद मैं कभी मेडिटेशन में ही नहीं आती। मैं बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ चीज ढूंढ रही थी जिससे मैं ध्यान करूं और मेरी बीमारियां चले जाए, और मेरे को मेरी फ्रेंड ने मेडिटेशन बता दी जिससे मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया, साइनस भी ठीक हो गया, मेरी फिजिकल एनर्जिक्स भी ठीक हो गई। और अगर मेरी लाइफ में बीमारियां नहीं आती तो मैं शायद मेडिटेशन में आती ही ना, है ना। तो मैं अब अपनी बीमारियों को ब्लेसिंग्स गिन, क्योंकि आप ही हो तो मेरे को मेडिटेशन में लेके आए हो। अगर मेरी लाइफ में अस्थमा नहीं होता तो मेरी लाइफ में मेडिटेशन भी नहीं होती। अगर कोई दुख आता है तो उस दुख को पकड़ कर मत बैठ जाए, उस दुख के पीछे कोई रीजन है, कोई सुख भी छुपा हुआ है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 3 दरवाजे खुलते भी हैं, पर हम बंद दरवाजे को देखते रहते हैं, जो खुले दरवाजे हैं उनको नहीं देखते। तो ये चीजें मैंने सब पत्री सर से सीखी है। तो अब जीवन को कैसे खुशी खुशी जीना है, हर एक जीवन एक हर एक दिन उत्सव की तरह कैसे मनाना है। अब सर नहीं दिल से भी मेरे को प्रिपेयर किया था पहले ही कि 2018 में मेरे हस्बैंड हम लोग टर्की गए थे, तो वहां मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था और
उससे पहले मैं डेथ से बहुत डरती थी, कोई डेथ के बारे में बोलता भी था ना, मैं कहती थी टॉपिक चेंज करते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो सर जैसे मास्टर भाग जाता है कि आपके अंदर अभी डर का फियर निकला नहीं है, अभी डर है आपके अंदर मौत को लेकर, मृत्यु को लेकर अभी आप डरते हो। तो जब 2018 में हम टर्की गए, वहां पे मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, तो 17 डेज वहां पर हम हॉस्पिटल में रहे, और पत्नी सर का डेली फोन आता कि इस चीज को एक्सेप्ट करो, इस सिचुएशन में पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में रहो कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं कहती थी सर प्लीज मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। सर ने बोला इतने साल आपने क्या सीखा, इतने साल मैंने आपको क्या सिखाया कि मृत्यु तो है ही नहीं, एक बॉडी की डेथ होती है, जैसे हम एक कपड़ा बदलते हैं, आत्मा की डेथ है ही नहीं है, आप मेडिटेट करो। तो जब मैं मेडिटेट करती थी तो अपने हस्बैंड की सोल के साथ जुड़ जाती थी, और जैसे वो कहते कि मुझे जाने दो, ये वेंटिलेटर पे मुझे यहाँ पर बांध के रखा हुआ है, जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, इसको उतरवा दो, मैं जाना चाहता हूँ, मेरा और बहुत सारी पर्पस है, आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर लेटा हूँ, मैं तो चला पहले दिन ही गया था। तो मैं हर रोज उनसे मेडिटेशन में बातें करती थी, तो मुझे लगा कि डेथ तो है ही नहीं है, अगर मैं जब आंखें बंद करके उनसे कनेक्ट हो रही हूँ तो मैं बहुत आराम से उनके साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ। तो हम देह के साथ जुड़े होते हैं, फिजिकल लेवल पर जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमें प्रेजेंस चाहिए होती है एक दूसरे की। तो वो मेरे को समझ आया कि हर एक सोल अपना प्लान लेकर आती है, अब उनका मेरे साथ इतना ही साथ, अब उनका आगे एक और मिशन है, कोई और काम है, उनके और प्लान है, तो मुझे अब रोकना नहीं है उनको। तो मैंने डॉक्टर्स को बोला कि आप ये वेंटिलेटर्स करा के लिए अब वापस इंडिया वापस जाना चाहेंगे, एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कीजिए। तो जब एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट करा जा रहा था उनका, जब वेंटिलेटर करा था, इमीडिएटली वो सोल वहां से निकल गया, और हम सब एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, हमने पूरा खुली आंखों से देखा, मुझे दिखाई दिया कि कैसे मेरे हस्बैंड की सोल निकल कर जा रही है। तो वहां से जो डेथ का भी डर था वो भी मेरे अंदर से बिल्कुल निकल गया, और वो मेरे को 17 दिन पत्नी सर ने उसके लिए मेरे को प्रिपेयर किया कि डेथ तो है ही नहीं है, तो किस चीज के लिए डर से अपने हस्बैंड के साथ बंधी हुई है, उसका जितना तेरे साथ संबंध था, जितना तेरे साथ पर्पस था, अब उस आत्मा का धरती पर काम खत्म हो चुका है, उसका अब और प्लेस पर काम है, तो हमें रोना नहीं है। रोने से क्या होता है, वो आत्मा जा नहीं पाती। जो 13 दिन होते हैं आत्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है अर्थ प्लैनेट से एस्ट्रल प्लैनेट की ओर जाने के लिए। तभी तो हम 13 दिन जरूर पाठ रखते हैं अपने घर पे, सारे रिचुअल्स करते हैं ना, तो वो पाठ का मतलब ये होता है कि हम रोए नहीं, हम जाने वाले की यात्रा में विघ्न ना डालें। तो मैंने तो वो 13 डेज अपने घर पूरी मेडिटेशन ही रखी, जो भी मेरे घर आता था मैं सबको ये कहती थी कि आप मेडिटेट कीजिए, कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं, कोई रोना नहीं, क्योंकि जाने वाली आत्मा को बहुत तकलीफ होगी और वो तो हमारे साथ ही है। तो मैं अपने हस्बैंड को खुशी खुशी विदा करना चाहती हूँ, वो मुझे इतनी अच्छी लाइफ देके गए, इतने अच्छे बच्चे देके गए, इतना अच्छा घर बार सब कुछ उन्होंने, और वो खुश रहते थे हमेशा, जोक्स चुटकुले खुश उन्होंने, उनके मुंह पर मैंने कभी भी उदासी नहीं देखी। तो अब आज हम टाइम आया तो मैं उनको खुशी खुशी विदा करना चाहूंगी, जैसे वो खुश रहते थे, हंसाते रहते थे सबको, तो कोई भी नहीं रोएगा। तो हमने उनको बहुत अच्छा एक जो सारनी पे जो एक वो होता है रस्म होती है, वो भी हमने बहुत फूलों से सजाकर एक जाने वाली आत्मा को बहुत अच्छा फेयरवेल दिया। तो ये सब प्रिपेयर किसने किया, पत्नी सर, कि डेथ तो है ही नहीं। अब जब सर ने 24 जुलाई को बॉडी पकेट करना था, मैं हैदराबाद पहुंच चुकी थी 24 को, 5:07 पर मेरी फ्लाइट लैंड की, और वहां पर 5:07 पर सर ने बॉडी वकेट की। वहां जाकर मैंने सबको पूछा कि सर लास्ट मोमेंट पे कैसे थे, सब ने बताया सर आराम से चेयर पे बैठे होंगे, 30 घंटे सर चेयर पे बैठे रहे हैं, और हर एक आने जाने वाले मास्टर को दर्शन दे रहे थे, और एक तरफ से उन्होंने अपनी बेटी को छोटी का, एक तरफ से बड़ी का हाथ पकड़ा हुआ था, और पूरी कॉन्शियसली ब्रीदिंग ले रहे थे। एक मास्टर अगर जीता कॉन्शियसली है तो मरता भी कॉन्शियसली है, पूरा एक सांस ले लेकर पूरा डीप ब्रीदिंग कर रहे थे सर, और धीरे धीरे सर ने अपनी कॉन्शियसनेस को इधर लेकर आंखों में ऐसे ऊपर को उठाकर पूरी आराम से मास्टर्स के आगे अपनी बॉडी पकड़ती है। 30 घंटे चेयर पे बैठना, एक मास्टर ने कितना कॉन्शियसली अपनी बॉडी को पकड़ दिया है, ये हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है
कि अगर जीना एक सच्चाई है तो मरना भी एक सच्चाई है, मृत्यु भी एक सच्चाई है, और धरती पर मृत्यु है, उस आत्मा का वहां पर उस दिन जन्मदिन मनाया जाता है, वहां पे बहुत उसका स्वागत किया जाता है। तो हमें डेथ से कभी डरना नहीं है। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, आत्मा अपने कपड़े बदलती है, कभी आदमी का कपड़े पहनती है, कभी औरत के कपड़े पहनती है। तो मेरा आज का पर्पस यही था कि हम डेथ का जो फियर है उस पर बात करें कि मृत्यु शरीर की है, आत्मा की है ही नहीं। तो हमें डरना नहीं है, अपने ग्रेट मास्टर पत्रिसर से ये सीखना है कि कैसे एक मास्टर कॉन्शियसली अपनी बॉडी को भी वकेट कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान करेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। म्यूजिक दे दीजिए रूबी जी, कौन सा म्यूजिक लगवाएंगे मैडम? आंखें बंद कर लेंगे, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। रूबी जी म्यूजिक दे दीजिए। सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को महसूस करेंगे, कैसे एक सांस आ रहा है और कैसे एक सांस जा रहा है। अब भीतर जाती हूँ सांस के साथ, बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जा रही है और बाहर जाती हुई सांस के साथ थकी हुई मुरझाई हुई ऊर्जा बाहर जा रही है। धरती पर भी हम आते हैं और जाते हैं तो दुख कैसा, हम धरती पर अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आए। मैं रचना का रोल प्ले कर रही हूँ, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम अपना रोल इतना अच्छा प्ले करके जाए, इतना अच्छा रोल अदा करके जाए, सब वाह वाह करें हमारे जाने के बाद। सबके पास हमारी अच्छी अच्छी यादें, प्यार भरी यादें। आज से हम संकल्प लें कि हम कभी भी किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, ध्यान करेंगे और ध्यान का प्रचार प्रसार करेंगे, शाकाहार बनेंगे और पिरामिड जगत को प्रमोट करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं, अपनी आती जाती सांसों के साथ हम क्या लेके पैदा हुए थे, सिर्फ सांस, और उन सांसों की ओर हमने कभी ध्यान ही नहीं किया। आज का दिन ध्यान का दिन है, अपने आप के साथ जुड़ने का दिन है। ध्यान करने से हमारे तन की मन की आत्मा की शुद्धि होती है। Thank you.
विचारों का पीछा मत कीजिए, विचार आपको कहां से कहां ले जाएं। ये समय सिर्फ हमें एक ही काम दिया गया, वो है अपनी सांसों को महसूस कर। आपके सांस और आपकी नॉर्मल और नेचुरल सांस और
कुछ पीछे के बारे में मत सोचो, कुछ भी फ्यूचर के बारे में मत सोचो, इस पर करते जाए, अपने आप को ढीला छोड़ दे और सांसों के साथ बाहर से अंदर की यात्रा पर निकल जाए। बहुत बाहर भटक चुके
Thank you.
लास्ट 5 मिनट्स ब्रीथ योर ब्रेथ इन कमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ योर हॉट बॉडी ब्रेथ लास्ट 5 मिनट्स अब धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने की कोशिश करें, अपने शरीर को महसूस करें, मन से बाहर आने की कोशिश। आखिरी 10 सेकेंड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और शून्य। अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रखिए और जब आपको कंफर्टेबल लगे, सहज लगे, हाथों के अंदर ही आंखें खोल लें और हाथ खींचे। आज के ध्यान के लिए अपने आप के लिए 25 सेकंड लेके अपील करेंगे। थैंक यू सो मच रचना।
बहुत डीप मेडिटेशन था मैम, जब आपने बोला थाली बजाओ तब मुझे लगा कि अच्छा ध्यान से निकल गए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ध्यान था और जो आपकी विजडम थी वो सबको पता है, लेकिन जब खुद भी बीतती है ना मैम फिर कंट्रोल में रहते नहीं है। मैम जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तब मैं भी मम्मी को आपको एग्जांपल देती, मेरी मम्मा बहुत रोती थी। आपकी आवाज कट के आ रही है, मेरी आवाज कट कर आ रही है क्या? क्या मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है? मैम इधर से तो ठीक है। बोलिए बोलिए। यस मैम, मैंने कहा मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो मम्मी बहुत रोती थी, मम्मी ने साल डेढ़ साल तक बहुत रोई है, मम्मी को खूब समझाते थे तो मम्मी एक ही बात बोलती थी, मुझे भी पता है कि आने वाली जो जाने वाली जो सोल होती है उसको बहुत दुख होता है, बट जब खुद के साथ होता है ना फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। जब ये बातें बताते ना तो हिम्मत तो बहुत मिलती है मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। यस, आप भी अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें। यस सुदेश जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं, अपने आप को अनम्यूट करें सुदेश जी। यस अनम्यूट करें अपने आप को। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलें सुदेश जी, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं। आज सुदेश जी हाँ अब म्यूट अनम्यूट हो गए। हाँ मैं कह रही हूँ कि मैं आपके लेवल तक अभी नहीं पहुंच गया, आप जब कहते हैं वापस आ जाओ अपने, मैं वापस ही होती हूँ, उसी वाइब पर घूम रही होती हूँ। चलो धीरे धीरे हो जाएगा, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि अपने आप ही? नहीं, अपने आप ही, जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे ना उतना ज्यादा हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, विजडम लेवल बढ़ेगा और हमें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हम अंदर से ना शक्तिशाली होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे और आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ने लग जाएगा। आप कुछ भी प्रयास मत करें, अपने आप ध्यान से अपने आप सब प्रयास हो जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है अभी मैं दीप को चार गई हो और कई बार तो नहीं होता, किसी दिन तो ऐसे ही बस जितना मर्जी ध्यान कर लो वैसे नहीं आता, कई बार थोड़ा सा होता है। हाँ जी सुदेश जी, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, किसी दिन तो हमारा बहुत ध्यान लग गया तो हमारी ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आज मेरा ध्यान बहुत लगा तो कल भी मेरा ध्यान लगेगा, है ना, तो हम एक्सपेक्टेशन से बैठते हैं तो वो उस दिन ध्यान नहीं लगता, तो कई बार ऐसा होता है किसी दिन ध्यान लगता है किसी दिन नहीं लगता, कोई बात नहीं, हमारा काम है सिर्फ बैठना, बाकी सारे काम यूनिवर्स अपने आप टाइम के अनुसार हमारा हो जाएगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है आपको। नहीं घबराने वाली मैं हूँ नहीं, नहीं मैं करती हूँ घबराने वाली नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, मैं घबराने वाली नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल नहीं तो परसों मैं शायद उस लेवल तक, शायद नहीं पक्का उस लेवल तक पहुंचूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम होंगे कामयाब, तो एक दिन नया पार हो ही जाएगी सभी की। बिल्कुल बिल्कुल, हम होंगे कामयाब। आज बैठक आज नहीं गई हूँ, कल चले जाए परसों, मतलब मैं करूंगी अपने तरफ से हिम्मत, घबराने में थैंक यू सुदेश जी, आप सब लोगों को देख के ही मजा आती है। पता नहीं कैसे जुड़ी, मुझे समझ ही नहीं आया, ऐसे ही बस YouTube में देखते देखते
तो आ रहे थे, क्या नाम है उनका, मलिक साहब, उनका पकड़ते उनका करते रहे कर, दूसरा इधर पत्नी जी का जो तारे करने लगे, इधर आ गई, इधर चलती रही, अब इधर ही चल गई, फिर यहाँ से कोई नंबर लिए, वहां से उनसे बात की, उनसे बात की, ऐसे ही। थैंक यू सुदेश जी। यस, और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? मंजू जी, विमला देवी जी, अनम्यूट अनम्यूट करें अपने आपको। विमला देवी जी, नमस्कार जी, आज का ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जी हुई, बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू विमला जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे जंगल दिख रहा था, जंगल में हाथी था, थोड़ी सी देर के लिए। हाँ जी, कई बार हमें बहुत तरह के अनुभव आते हैं, बहुत कुछ दिखाई देता है, बस उसको देखते हुए आगे बढ़ते जाना है, बहुत कुछ हमें दिखाई देता है ध्यान में जब हम बैठते हैं ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कई बार वो हमारे पावर एनिमल्स होते हैं, हर एक एनिमल भी हमारे जैसे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, तो एनिमल्स भी हमारे पावर एनिमल